Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to very good off-campus drive opportunity for the 23, 22, 21 and 2020 batch. आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फोसिस और इंटेल की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो कि फ्रेशर्स बैच के लिए है बीई बीटेक एमसीए एमटेक उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी सारी आज की इस वीडियो में हम पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्फोसिस कब हायर करेगी 2022 बैच को सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ओके सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन देयर इज अ रोल ऑफ सिस्टम्स इंजीनियर फ्रॉम इन्फोसिस बीपीएम लिमिटेड एंड लोकेशन गुड़गांव है और मैं आपको बता दूं कि यहां पर उन्होंने एक चीज बता रखी कि वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर एंड अबो मतलब एक साल का ये ज्यादा मैं आपको बता दूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होना चाहिए और आप अभी इमीडिएटली ज्वाइन कर लें और मैं आपको बता दूं आप अगर 2020 और 21 पास आउट है एकेडमिक थ्रू आउट 65% मतलब आपका 65% 10th 12th और ग्रेजुएशन में है आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने बता रखा है बीई बीटेक एमसीए फ्रेशर्स ITCS स्ट्रीम ओनली पास आउट ही यहां पर एलिजिबल है मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस यही है कि आप फ्रेशर्स हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट है आप अप्लाई कर सकते हैं शिफ्ट जनरल है पुणे और गुड़गांव जो है वो लोकेशन है प्रेफर्ड स्किल्स टेक्नोलॉजी जावा उन्होंने ये सब चीजें बता रखी है अब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूं इसी जैसे कि आप इस पेज पे गए और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी जो है उसे पेस्ट करना है फिर आपको यहां पर जो है उनका प्राइवेसी फॉर्म जो है उसको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड करना है ठीक है उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आपको जो है वो फॉर्म को कैसे फिल करना है ठीक है अब जैसे आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल ली इंटरव्यू सिटी करंट प्रीवियस एम्प्लॉयर टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है आप अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं स्किल्स है मैं आपको बता दूं कि आपको रेज्यूमे चूज करना है आप एक्स इन्फोशियन है तो यहाँ पर आप अपना रेज्यूमे भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को मत मिस कीजिएगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट इंटेल की अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑफिशियली 22-23 बैच के लिए है और मैं आपको बता दूं उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी की तरफ से गेट और ईएससी मेगा कॉम्बोट हो रहा है जो कि 28 नवंबर 11 AM को है मैं आपको बता दूं कि 60 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मिनट्स का आपके पास टाइम रहेगा आप मैकेनिकल सिविल ईसी डबलई सीएसआईटी ब्रांचेस से तो आप अप्लाई कर सकते हैं अनअकैडमी कॉम्बोट की ये स्पेशलिटी है कि यहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी टॉप 200 रैंकर्स को मतलब मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आप स्कॉलरशिप का अमाउंट देख सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 4 करोड़ रुपीस प्लस ठीक है तो अब मैं आपको बता दूं रैंक 1 से 3rd को 100 स्कॉलरशिप रैंक 4 से 10 को 75% स्कॉलरशिप और रैंक 11 से 15 को 50% स्कॉलरशिप उन्होंने यहां पर बता रखी है कि कितनी स्कॉलरशिप जो है वो आपको मिलने वाली है और लकी ड्रॉ जो है पार्टिसिपेंट्स के लिए 500 लक्की पार्टिसिपेंट सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं मैं आपको बता दूं आईपैड मिनी जेबीएल हेडफोन जेबीएल स्पीकर फिटबिट वर्सा 2 अमेजॉन वाउचर्स आप हमारे कोड को यूज करके इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बता दूं बागोरा 10 हमारा कोड है और बागोरा 10 आपको नीचे मिल जाएगी इंटेल की तरफ से फॉर दी रोल ऑफ ग्रेजुएट इंटर्न मैं आपको बता दूं ग्रेजुएट इंटर्न से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन बैच इलिजिबल है मैं आपको यहां पर बता दूं कि उन्होंने ये बताया आप अगर बीटेक एमटेक अभी कर रहे हैं परस्यूइंग उन्होंने बताया है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और चीजें उन्होंने नहीं बताई है और मैं आपको यहां पर बता दूं सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा रहता है अगर आप यहां पर फुल टाइम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और स्टाइफंड भी काफी अच्छा रहता है तो अप्लाई कैसे करना है अप्लाई के लिए आप इस पेज पे जाएंगे और फिर अप्लाई करेंगे मैं आपको बता दूं 22-23 बैच जो है यहां पर एलिजिबल है तो इसमें जरूर से अप्लाई कीजिएगा देखिए ये आपको जो है ये फॉर्म को फिल करना पड़ेगा जो कि इंटेल का है आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन ईयर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर आपका कौन सा है 22 है करंट जीपीए क्या चल रहा है सारी चीजें सेव एंड कंटिन्यू करनी और इसके लिए अप्लाई करना है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन्हें मत मिस कीजिएगा आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो